जी आप ये बताएं कि जरूर आप भी सामान्य जन की तरह महंगाई बढ़ने से परेशान होंगे, लेकिन क्या आप इससे भी परेशान हैं कि रोकने का प्रयास कर रहे हैं मगर वो तुरंत नहीं रुक रही है, और वही बातें आपको भी कहनी पड़ रही है जो कभी मनमोहन सिंह कहा करते थे? देखिए, दोनों परिस्थितियों में एक मूलभूत अंतर है। यदि ये कोई तात्कालिक परिस्थिति है और उसमें आप क्या निर्णय ले पा रहे हैं, और एक है कि लंबे समय तक आपको मौका मिले और उसके बाद आप क्या कर पा रहे हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता और शासन की क्षमता का जो अंतर है वो इससे आका जा सकता है। अब जैसे हमारी सरकार अभी आई है, 10 साल से निरंतर क्या स्थिति थी उसके हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, सिर्फ एक तथ्य बताना चाहेंगे कि जब 2004 में हमारी सरकार आई थी तो $22 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस था और इस समय तकरीबन 80 बिलियन से ऊपर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो ये केवल इस बात के लिए पर्याप्त है बताने के लिए कि अर्थव्यवस्था किस हालत में थी। उसमें से अगर आप निकालने का भी कोई प्रयास करते हैं तो चंद दिन उसके लिए इतने पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये मैं पूर्णतः आश्वस्त करता हूं, एक निश्चित समयावधि के बाद इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों पे सरकार व्यापक विचार कर रही है। अगर आप ये कहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, यशवंत सिन्हा ने जब 2011 के साल में बहस हुई थी संसद में, तब उन्होंने कहा था कि गो फॉर गॉड से गो, मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी जब भाषण दे रहे थे, यानी आपसे संभलता नहीं है तो आप चले जाइए और देखिए कि मानसून सत्र के बाद अब इस महंगाई पर शीतकालीन सत्र में कोई चर्चा ना हो। क्या आप सचमुच ये यकीन से कह रहे हैं कि या आपकी सरकार ने तमाम उन अर्थशास्त्रियों से पूछ लिया है जो अंग्रेजी में बड़े लंबे लंबे लेख लिखते हैं तमाम आंकड़ों के साथ, कि 5-6 महीने या 1 साल के बाद ये महंगाई कम हो जाएगी? वो तात्कालिक परिस्थितियां, वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां नहीं रहेंगी? देखिए, हमने स्थिति की गंभीरता का एहसास पहले ही कर लिया था, इसीलिए आप मार्क करिए कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कोई समय सीमाबद्ध कंक्रीट कमिटमेंट इस जंग का नहीं कहा था कि इतने दिन में ये कर देंगे। ये नहीं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, तो हमने ये बात अनुभव की थी कि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में है कि आप जब तक खुद कुर्सी पर नहीं बैठेंगे आप नहीं पता लगा पाएंगे क्या है। हाँ, ठीक है, कुछ परिस्थितियां और खराब हो गई, जैसे मानसून का थोड़ा कम होना, इराक में युद्ध हो जाना, ये, मगर हम इसका बहाना नहीं लेना चाहते। हम जब पिछली बार भी सरकार में आए थे तो पोखरण विस्फोट के कारण आर्थिक प्रतिबंध और कारगिल युद्ध था, फिर भी हमने मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज कलराज मिश्र कह रहे हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कुछ साल पहले जब वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, तब वो कहते थे कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो क्या एक ऐसी ईमानदार जवाब की आशा की जा सकती है जिसमें आप कहें कि भाई हमसे ये नहीं रुक सकती है, क्योंकि जब हम कुछ आलू प्याज टमाटर के दाम रोक भी लेंगे तो पेट्रोल का दाम हो सकता है कि बढ़ जाए और उससे फिर आलू के दाम बढ़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो आपकी सीमा से बाहर घटित होती है, कोई ईमानदार विश्लेषण हो सकता है? तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जी नहीं, देखिए, ईमानदार विश्लेषण के बाद हम ये बात कहते हैं कि एक निश्चित समयावधि के बाद ही हम यह निष्कर्ष आप किसी सरकार के परफॉर्मेंस पर लगा सकते हैं। और हम जो बात कह रहे हैं वो केवल दावा नहीं कर रहे हैं, भारत के 67 वर्ष के इतिहास में केवल एनडीए के 6 साल थे जब लगातार महंगाई कम हुई थी। तो हमने विपरीत परिस्थितियों में करके दिखाया है, आप आश्वस्त रहिए, मोदी जी की यह सरकार परिस्थिति के अनुसार दोनों प्रकार के समाधान ठीक है। भाई, आज तो स्थिति यह है कि जैसे कोई आईसीयू में पहुंच गया हो तो आईसीयू से निकलेगा तो कुछ दिन तो उसको दवा खानी पड़ेगी ना। ठीक, तो जिस ढंग से एक लाइफ स्टाइल डिजीज होती है वैसे ही इकोनॉमिक स्टाइल डिजीज है। उसके बाद जब हम लाइफ स्टाइल यानी इकोनॉमिक स्टाइल चेंज करेंगे तो स्थायी स्वास्थ्य लाभ होगा। जी संजय निरुपम जी, कहां आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप आईसीयू में छोड़कर गए थे, और आज जब महंगाई फिर से बढ़ रही है तो आप लोग विपक्ष में रहकर वही बोल रहे हैं जो मैंने सुधांशु जी से सवाल किया, जो तब सुधांशु जी की पार्टी बोला करती थी और अन्य विपक्षी दल बोला करते थे। मैं अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूं कि फिर आप दोनों एक ही बात अलग अलग भूमिका बदल के बोलने के अलावा ऐसी क्या नई समझदारी पेश करते हैं जिससे लगे कि हाँ भाई, आपके पास भी कोई उपाय है, और वो उस उपाय से कुछ ज्यादा उपाय सुधांशु जी की पार्टी के पास है जो शायद आने वाले 6 महीने या 1-2 साल के बाद, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा नहीं है, तो मान लीजिए 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद महंगाई कम हो जाए। रवीश जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हर नाकामयाबी के लिए कांग्रेस को दोष दे करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। पहले रेल, फिर तेल, अब गैस।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भारत के जीडीपी को रातों रात या 35 दिन में 5% से बढ़ाकर 9% कर दीजिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप रुपये को घटा के 2 रुपया प्रति डॉलर कर दीजिए एक महीने के अंदर। मैं कोई बहुत बुनियादी सवाल इनसे नहीं, हम लोग कोई बुनियादी सवाल नहीं पूछ रहे। हमने सिर्फ ये कहा कि महंगाई के मुद्दे पे आप सत्ता में आए थे और आपने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने कहा था कि सरकार आएगी और महंगाई जाएगी। आज 35 दिन हो गए, इस पूरे 35 दिनों की कालावधि में आप महंगाई को नियंत्रित करें, बढ़ने न दें, घटाएं ना घटाएं बाद की बात है, आप रोक भी नहीं पा रहे और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब बढ़ने का कारण क्या है? पहले आपने मॉनसून की न्यूज रिलीज की ऑफिशियली, आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, सूत्रों के हवाले से मॉनसून खराब होगा ऐसी खबर आती थी, इनके मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अनाउंस कर दिया। आज इनके एक मंत्री महोदय बोले कि पूरा पश्चिम भारत सूखे की चपेट में आ रहा है, वो ये नहीं बताया कि 500 जिलों में जो सूखा होने वाला है उसके लिए कंटिजेंसी प्लान क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर फोकस नहीं कर रहे, बताया उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीसरी बात, जो निर्णय हम लिया करते थे महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, बिल्कुल वही निर्णय, वही भाषणबाजी इनकी चल रही है। मतलब जो ये कहा करते थे कि हमारे पास एक एक्शन प्लान है, हमारे पास एक एक्शन प्लान है महंगाई को नियंत्रित करने का, एक मौका हमें आप दे दीजिए। आप एपीएमसी को डिलिंग करने की बात कर रही है, हमने कहा था जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आप हमें कहते थे, हम चिट्ठी लिखते थे, आप भी चिट्ठी लिख रहे हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र की सरकार या कुछ सरकार जहां पर आपके विरोधी दल की सरकार है वो एक्शन नहीं ले रहे, मुझे बताया जरा बीजेपी के लोग गुजरात में, मध्य प्रदेश में राजस्थान में कौन सा एक्शन लिया गया? सिर्फ दिल्ली में आप छापे पे छापे मारे जा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन से छापे मारे गए हैं, लेकिन आज भी वहां पर प्याज का भाव कम नहीं हुआ बल्कि 40-45 रुपए हो गया, आलू का भाव कम नहीं हो रहा है, दूध का भाव कम नहीं हो रहा है। तो छापेमारी के बावजूद, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बावजूद दिल्ली में कोई नतीजा नहीं निकल रहा, सिर्फ दिखावा है। तो ये सरकार पूरी तरह से एक दिखावे में लगे हुई है। त्रिवेदी जी ने कहा, मेरा एक सवाल, वो दोनों परिस्थितियों में एक बुनियादी फर्क है। एक मिनट रवि जी, त्रिवेदी जी ने कहा कि दोनों परिस्थितियों में बुनियादी फर्क है। हाँ फर्क है, महंगाई वही है, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री है। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, 100 दिन दे दो मैं शायद कंट्रोल कर दूं। आज इनकी हिम्मत नहीं हो रही है एक निश्चित कालावधि देने के लिए। ये बात बात पे एनडीए के जमाने में चले जाते हैं और एनडीए में ये था। अरे साहब, आज की बात बताइए, आज आप कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? आपके पास कोई फार्मूला नहीं, और अगर जो है वो गलत है। पासवान जी क्या कहते हैं, टीवी पे न्यूज आती इसके लिए महंगाई बढ़ रही है। लो, अब तक तो टेलीविजन को हमने भी दोष नहीं दिया था, अब आप लोगों को दोष दिया जा रहा है इस सरकार में। इनके पेट्रोल मेरी वजह से 10 पैसे महंगाई बढ़ी है, बोले मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, मगर इस्तीफा नहीं दूंगा। मंत्री क्या बोले इनके पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि 10 दिन पहले बोला कि इराक संकट का डीजल पेट्रोल के प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ। आज उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, असर पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे मंत्रियों का एक जमावड़ा बना दिया गया है जिनके पास सही सोच समझ नहीं है, अधकचरी जानकारी के आधार पर प्रशासन चला रहे हैं। और उस जमाने में तो पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगाते थे, आज कौन सा पॉलिसी पैरालिसिस है भाई? आज क्या है, ये बात सही है आप कि आप बैठक कर रहे हैं, बहुत सारा एक्शन बताया आपने कि आपने डिलिस्ट कर दिया एपीएमसी से, कि वो प्याज और आलू जैसी चीजों को आपने डिलिस्ट कर दिया है, ठीक है, और छापे मार रहे हैं, लेकिन इन छापे मारने के बावजूद भी, और ये भी कह रहे हैं कि आपके पास सप्लाई खूब है प्याज की, ठीक है, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, पर क्या आपको ये अफसोस हो रहा है कि विपक्ष में रहते हुए आपने गलत राजनीति की, या अब आप ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जो ये चंद एक्शन वाली बात है छापेमारी करके, दरअसल ये एक ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था है कि जिसमें वो आपके बस की बात है नहीं सर? देखिए, हमारी तरफ से कालाबाजारी को भी रोकने के लिए, और जैसे ही दाम बढ़े तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने की बात कही गई, उन सारे मेजर्स के ऊपर तो हम अपना विचार व्यक्त करेंगे। और पर रिजल्ट तो नहीं आया ना सर? देखिए, जब आप तीन हाई क्लास की मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने 3 बैठकें ली हैं, बहुत तरह की बैठकें हुई हैं, उन बैठकों का ना तो, जैसे संजय कह रहे हैं कि ठीक है दाम नहीं कम हुआ, कोई बात वो नहीं कह रहे हैं कि हम उस पर नंबर नहीं देते हैं, लेकिन आप रोक पाते, स्थिर रख पाते कि हाँ कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, फिर उन एक्शन का क्या फायदा? रिजल्ट भी आएगा, प्रभाव
परिणाम दिखाई पड़ेगा। मैं संजय जी से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा तथ्यात्मक आधार पे। जब हम एनडीए सरकार की बात नहीं कर रहे, यूपीए में जब 2004 में इन्होंने पहला बजट दिया था, चिदंबरम ने क्या शब्द प्रयोग किया था, द इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर गुड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट। यानी वो आपको मिला तब आपने कहा हम 100 दिन में कम करेंगे, और हमें जो आपने दिया है तो चिदंबरम तो कह के गए सर, आधे से कम में आप हम पे आक्रमण करें, क्या ये न्याय संगत है? चिदंबरम कह के गए हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस था 26,000 करोड़ का है, यूपीए छोड़कर गई है, आपके यहां नेगेटिव बैलेंस 2730 करोड़ रुपए का था, ये भी चिदंबरम ने कहा। खैर छोड़ दीजिए, त्यागी जी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच हमारे राजनेताओं के पास और राजनीतिक दलों के पास अपने अपने मतदाताओं को या पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को यह बताने लायक कोई ठोस चीज है कि महंगाई उनके नियंत्रण में है, बस कुछ और वक्त मिल जाए तो वो रोक पाएंगे। जैसा कि अब ये खुद उदाहरण कि पिछले 10 साल में और लगभग पिछले 5 साल में तो मनमोहन सिंह हर 6 महीने पे या आरबीआई के गवर्नर वगैरह कहते थे कि महंगाई कम होने वाली है, वो होती दिखी नहीं। मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, और हमारे कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं देवेंद्र शर्मा जी, वो मेरी बात की ताहिद करेंगे। किसान, गन्ना किसान की समस्याओं को लेकर के पिछली सरकार में हमने प्रयास किया तो मनमोहन सिंह जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया जिसमें शरद पवार जी, अजीत सिंह जी और कामत साहब थे, हाँ, वहां के अपने केरला वाले खाद्य मंत्री। उन्होंने बजाय किसानों की बात सुनने के चीनी मिल मालिकों को 6,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। अब पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया चीनी संकट को टालने के लिए, सोल्व करने के लिए। उसमें दूसरे महाराष्ट्र के चीनी मिल मालिक नेता श्री गडकरी जी, श्री रामविलास पासवान और 3-4 मंत्री और, इन्होंने क्या किया मिलकर के, जो मैनमेड महंगाई है उस पर मैं बताना चाहता हूं कि 4,000 करोड़ रुपए का इन्होंने चीनी मिल मालिकों को एक नया पैकेज दे दिया। खबरदार अगर गन्ने के दाम बढ़ाए, ये चेतावनी दे रहे हैं। 4,000 करोड़ और, हाँ जी, और जो ताजा 4 रुपए क्विंटल किलो के हिसाब से जो चीनी के दाम बढ़े हैं, वो जो ब्राजील से चीनी यहां आकर के बाजार में सस्ती होती थी उस पर 14% के बजाय इन्होंने 40% का आयात शुल्क लगा दिया, जिसका तात्कालिक नतीजा हुआ कि एक हफ्ते के अंदर बाजार में 4 रुपए किलो के हिसाब से चीनी के दाम बढ़ गए। और मैं अब इस नतीजे पहुंच गया कि कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, संजय निरुपम जी ने, इनका घोषणा पत्र जस का तस इन्होंने स्वीकार किया था। एक बड़ा कारण तो ये, अच्छा ये जो शहरी महंगाई है, मैं ग्रामीण महंगाई पर आना चाहता हूं। अब सूखा पड़ने वाला है, ना तो सुधांशु जी की और ना संजय निरुपम जी की, मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई आपको अपमानजनक भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर सूखा पड़ गया तो चारे का क्या भाव हो जाएगा? मैं किसान के घर में पैदा हूं, मुझको पता है जी कि इसके 3-4 गुने दाम बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से आने वाले समय में दूध के दाम बढ़ेंगे। ये मैनमेड हो गया। सूखे से निपटने के लिए क्या योजना है? और तीसरा, रवीश, जो मैं कोल्ड स्टोरेज जो देश भर के हैं उसकी एक संस्था का अध्यक्ष रहा हूं, एफसीआई से जुड़ी हुई है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, आपकी जानकारी के लिए, फल और सब्जी कोल्ड स्टोरेज तक आती आती 40% समाप्त हो जाती है। सरकार है, हाँ। एक बड़ा कारण यह भी है, आप जो है कोल्ड स्टोरेज भी 60 साल में नहीं बना पाए, उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, हमारी और सुधांशु जी की भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 6-7 साल हम एनडीए ने भी उसमें राज किया। तो अब सब हर समस्या के लिए कांग्रेस को दोष देना, और मैं कोई ये नहीं है सुधांशु जी की, कोई बहुत जल्दी वक्त निकल गया, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने जिस तरह के सब्ज बाग दिखाए हैं उससे ना तो मुझ पर फर्क पड़ता ना आप दोनों फर्क पड़ता। हाँ ठीक है, जो आस में बैठा हुआ था जिसको राज बब्बर और रशीद मसूद कह रहे थे कि 5 रुपए में बंबई में फला जगह बढ़िया खाना मिल जाता है, उस गरीब के मुंह का निवाला आपने भी छीन लिया और इन्होंने भी छीन लिया। ठीक है, पहले जब महिलाएं मुझे प्याज काटती थी तब उनकी आंखों में त्यागी जी थोड़ा रुकना पड़ेगा, जब ठीक है त्यागी जी थोड़ा रुकना पड़ेगा, मुझे लगता है कि मैं देवेंद्र शर्मा के पास जाना चाहता हूं, फिर मैं दादा आपके पास आता हूं।
मुझे लगता है कि बीजेपी को भी 67 साल मिलने चाहिए, तब मैं जब नहीं रहूंगा तो कोई और आके फिर सवाल पूछ पाएगा कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया। पर देवेंद्र जी, मैं एक दो बातें, जो इस सरकार ने कदम उठाए हैं ठीक है, लंबे समय में क्या असर होगा ये हम भी नहीं जानते, सुधांशु जी भी नहीं जानते, हो सकता है अच्छा असर हो जाए, हो सकता है कोई असर ना हो, लेकिन ये जो बातें कही गई है कि एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल एक्ट जो है, जो भी अगर मैंने सही बोला तो, उसमें संशोधन की जरूरत है और उसमें जो फल और सब्जियां जो कुछ चीजें हैं उनको उसके नियंत्रण से वापस कर दीजिए, तो हम जो किसान हैं वो अपने उत्पाद को लेकर मंडी में ना जाएं जहां हम सस्ता बेचने पर मजबूर हों, हम जाकर हमारे लिए कोई अनंत आकाश में खुला बाजार है जहां हम माल बेचाएं और वो सारा बिक जाए, अगर ऐसी कोई बाजार व्यवस्था है तो। क्या आपको लगता है कि इस कदम से या इस कदम में महंगाई के कम होने की किसी भी प्रकार की संभावना छिपी हुई है? रवीश जी, एपीएमसी के सवाल से पहले अगर आप मुझे मौका दें तो, मैं आपने एक सवाल किया था बीच में, आपने शायद अपने उसमें वक्तव्य में कहा था कि क्या ये महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था में ऑपरेट करती है। देखिए, हमें जानना ये जरूरी है कि मार्केट इकोनॉमी में कीमतें बढ़ती हैं, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे लोगों की सैलरी हो, कुछ भी हो, आप देखें उनकी कीमतें बढ़ती हैं, और फूड ही नहीं हर एक चीज की कीमतें बढ़ती हैं। ये मार्केट इकोनॉमी का एक अंडर फंडामेंटल ये रूल है, अगर ये ना बढ़े कीमतें तो मार्केट इकोनॉमी कलैप्स कर जाती है। तो मार्केट इकोनॉमी में तो सब चीजों को बढ़ाना ही है। फूड का क्राइसिस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर आप जानते हैं कि सारे देश का जो आक्रोश है वो लगता है कि कहीं ये मार्केट इकोनॉमी को ध्वस्त ना कर दे, इसलिए सब लोगों की चर्चा फूड के ऊपर होती है। सिनेमा हॉल की टिकट अगर 1000 रुपए में लोग देखते हैं तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, वो भी मार्केट की जो कीमतें हैं बढ़ रही हैं। मैं इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं कि इससे समझने की जरूरत है कि ये सारा जब तक हम मार्केट इकोनॉमी के साथ हम लेके चलेंगे, जो पिछली सरकार की पॉलिसीज थी, अगर यही सरकार लेके चलेगी तो मुझे लगता नहीं कि हम ज्यादा कोई अंतर दिखा पाएंगे आने वाले दिनों में। आपने जो सवाल पूछा एपीएमसी का, देखिए उससे पहले, एपीएमसी से पहले हमें थोड़ा सा अगर आप मौका दें तो, मैं अमेरिका में जो है, अमेरिका में मार्केट इकोनॉमी ऑपरेट करती है, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ते हैं? वो इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वहां पर पूरी सोशल सिक्योरिटी और सब्सिडीज जो है एग्रीकल्चर के नाम पर भयंकर है। अब देखिए, अगर आप कॉटन की बात करें तो 20,000 कपास के ग्रोअर्स हैं, उनको $4 बिलियन की कपास पैदा करते हैं और $4.7 बिलियन की उनको सब्सिडी मिलती थी 2005 में। उससे कीमतें गिर जाती है, मार्केट प्राइस 40% कम हो जाता है, और वो जो है कारण, इसी करके हमारा जो किसान है वो लगता है कि इनएफिशिएंट फार्मर है। ये जब तक हम इन दोनों चीजों को नहीं समझेंगे, इन दोनों का एक लिंक जो है, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि अमेरिका में मार्केट इकोनॉमी होने के बाद भी महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही है, हमारे देश में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर से सारा चीज हटाना चाहते हैं। अब जो आपने बात कही एपीएमसी की बात हम करें, एपीएमसी को राहुल गांधी जी ने कहा था जनवरी में कि कांग्रेस सरकारों को एपीएमसी हटा दीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए हटा दीजिए। हाँ। तो हरियाणा ने, हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने एपीएमसी को हटा दिया। हाँ। अब आप मुझे बताइए, आप भी सर्वे कर लीजिए, क्या इन तीनों स्टेट्स में कीमतें कम हुई हैं, दाम कम हुए हैं? हाँ। दूसरी बात है कि बिहार में 2007 से कोई एपीएमसी नहीं है। 2007 से क्या बिहार की कायापलट हो गई है एग्रीकल्चर की? अब पंजाब में जो है एपीएमसी है, किसानों को 1310 रुपए पिछले साल गेहूं का दाम मिला था, वो इसलिए मिला क्योंकि वहां एपीएमसी थी, और बिहार में किसानों को 800-900 रुपए दाम मिला था क्विंटल का धान का, वो इसलिए मिला क्योंकि वहां एपीएमसी नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि पंजाब का किसान भी बिहार का किसान बन जाए तो आप एपीएमसी को हटा दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ एक इकोनॉमिस्ट देश के ऐसे हैं जो वोकल हैं, शोर मचाते हैं, लगता है कि वो ग्रोथ की जब तक बात नहीं होगी देश में कुछ काम नहीं होगा, वो एक मार्केट का मॉडल जो लेके आते हैं जो कि एग्रीकल्चर को एक तरह से वो देख रहा है, उसको डिसमिस करने की बात है, उसको डिसमेंटल करने की बात है। और मुझे मेरा मानना है कि उससे आने वाले दिनों में और नुकसान होगा देश का, अगर हमने एग्रीकल्चर को इस तरीके से हमने उसको नुकसान पहुंचाया। तो एपीएमसी की बहुत जरूरत है, मेरा मानना है कि एपीएमसी को सारे देश में एक्सपेंड करना चाहिए। अब देखिए, आज आप देखिए खबर छपी है कि हिमाचल में 2 रुपए किलो नहीं मिला लोगों को टमाटर का भाव, तो उन्होंने टमाटर डंप कर दिए। पंजाब में जो घिया है उसका प्राइस नहीं मिला तो संगरूर में लोगों ने सड़कों पर फेंक दिया। मेरठ में भिंडी का नहीं कीमत मिला तो भिंडी सड़कों में फेंक दी गई। अब बताइए मुझे, पंजाब में आ जाइए तो 2 रुपए किलो पे टमाटर आपको उपलब्ध मिलता है किसानों के पास, तो शहरों में क्यों दाम उसके ज्यादा होते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। पैदावार में कहीं कमी नहीं है,
सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं उनको दोबारा रीलुक करना पड़ेगा, रीविजिट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या ये नीतियां जो हम लेके जा रहे हैं उससे कभी महंगाई हम कम कर पाएंगे, लोगों को खुशहाली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और मैं जानता हूं कि कर सकती है सरकार, अगर ये वाकई करना चाहे थोड़ा सा पिछले मॉडल से हटके आगे काम करें। सरकार बार बार हिंट कर रही है कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे ग्रोथ बढ़ जाएगा, हालांकि अरुण जेटली ने ये बात नहीं कही कि उससे फिर हम महंगाई से निपट सकते हैं। ठीक ये इसी सेंटेंस का इस्तेमाल जब वित्त मंत्री रहते हुए प्रणब मुखर्जी भाषण दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि जरा सी महंगाई बढ़ जाए और ग्रोथ ठीक हो तो चलेगा और हम इसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो क्या उस ग्रोथ के बढ़ने का इंतजार किया जाए या फिर जो ये मिडिल क्लास है वो ये रोना धोना छोड़ दे, क्योंकि जब वो इसी सिस्टम का लाभार्थी है, इसका फायदा लेने के लिए बिना कोई सोचे समझे इस सिस्टम पर भरोसा करता है तो इसकी कुछ बुराइयों को भी बर्दाश्त करने की उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए। बिटर मेडिसिन। हाँ मोदी जी ने खुद कहा, नहीं राजनाथ जी ने तो मोदी सीन कहा। देखिए मोदी जी ने खुद कहा कि हनीमून पीरियड खत्म हो गया उनके, उन्होंने खुद कहा। त्यागी जी या जब बात किया और अभी अभी देवेंद्र जी बात, मैं थोड़ा बहुत मैं जोड़ना चाहता हूँ। त्यागी जी ने जैसे कहा बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति में मैं तो फर्क कुछ में नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है मैं मान लिया 5 साल से लगातार खाद्यान्न का दाम बढ़ा, भारतवर्ष के इतिहास में इस रफ्तार से कभी खाद्यान्न का दाम कभी नहीं बढ़ा। ठीक है मैं नहीं मानता हूं जो अभी अभी सुधांशु जी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार के समय महंगाई कम होते रहे, ये सरकार का जो आंकड़ा है ये कहानी नहीं बताते हैं, पता नहीं वो कहां से उनका आंकड़ा मिला है। दूसरी बात यह है देखिए ये जो बात, हाँ ठीक है एक महीना हुआ, मैं मानता हूं कि इराक का युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत, ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति तो मनमोहन सिंह के समय भी हुआ करती थी। हाँ अभी बारिश भी कम हो, मगर जैसे त्यागी जी ने कहा आपने कुछ नीति आपने कुछ किया, आपने चीनी का दाम आपको मालूम है ये बढ़ने वाले थे, अब जब आप जब क्या कहते हैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम जो निर्यात के लिए जो दाम आप बढ़ा देंगे तो बढ़ने का ये असंभव नहीं था, सबको मालूम था बढ़ने वाले हैं, 4 रुपया किलो बढ़ गया। आप जानते हैं महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2-3 महीना के बाद। अच्छा दूसरी बात देखिए आपने कहा कि रेल भाड़ा आप बढ़ाएंगे, फिर आपने कम खर्च कर दिया, अब फिर आपने बोला ये कांग्रेस सरकार का सिद्धांत था। ठीक है कांग्रेस सरकार भी सिद्धांत लिया कि डीजल का कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, आप भी वही कर रहे हैं, आपने भी जो रसोई गैस जो जिसमें सब्सिडाइज नहीं है वो भी आप बढ़ा रहे हैं। तो मतलब आपका नीति भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार की नीति और कांग्रेस या यूपीए सरकार की नीति में कुछ फर्क नहीं। ठीक है पर क्या आप चांस देना चाहेंगे कि ये सरकार शायद मजबूर हालात में हो, ठीक है पास यही एक रास्ता बचा है, समय बताएंगे। जुलाई महीना के 10 तारीख अरुण जेटली जी ने बजट पेश करेंगे, ठीक है उनके लिए भी ये वित्तीय घाटा का एक बात है, उनके लिए भी ये सब्सिडी या अनुदान का बात होगा। तो ठीक है आप नहीं चाहते हैं कि डीजल का दाम आप रोक दें, ठीक है क्योंकि आप घाटा बढ़ जाएगा, तो आपका आपका जैसे नीति आपका जो अर्थ करे क्या सरकार क्या करे फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। एक चीज बताइए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का नया शिगुफा में सुनना हो सकता है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नया भतीजा हो, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जैसे आलू प्याज पे बढ़ाया कि इतने से कम दाम पे आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या ये फॉर्मूला मान्य फॉर्मूला है दाम कम करने का क्या? मगर नहीं हुआ, प्याज का दाम कम हुआ, आलू का दाम कम हुआ, चीनी का दाम कम हुआ, कुछ भी नहीं हुई है। दूसरी बात है एक तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, एक है इंपोर्ट प्राइस का भी बात होते हैं। दूसरी बात अब जरा ध्यान से मेरा बात सुन लीजिए, देखिए इस आप क्यों नहीं चाहते हैं कि सब्सिडी बढ़े, क्यों आप कह रहे हैं वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है आप वित्तीय घाटा बढ़ा, तो आपका जो अर्थ नीति है आपका जो चिंताधारा है ये कांग्रेस और यूपीए में क्या फर्क है, हमें तो फर्क नहीं देख रहे। आप समझ लीजिए कि हम बोले कि हम डीजल का कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो इसका असर क्या पड़ेगा, ठीक आपका घाटा बढ़ जाएगा। अपने तो मुझे इस बात का जवाब दे, एक बात हो गई कि दोनों की पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं, अगर अरुण जेटली टैक्स में कोई रिलीफ दे दें, कुछ पैसा दे दें लोगों के हाथ में और कुछ और सुविधाएं दे दें तो क्या इसे मान लिया जाए कि ये महंगाई से रिलीफ दे दिया? ठीक है थोड़ा बहुत देंगे तो सरकार एक हाथ में जो दे रहे दूसरे हाथ से ले रहे, ये भी हो रहे क्योंकि आपने रेल ने इसमें तो मिडिल क्लास खुश हो रहा है ना, जो गरीब किसान मिडिल क्लास खुश हो रहे, मिडिल क्लास सचमुच खुश हो रहे कि आप मालूम नहीं है जी, नहीं जी खुश है, समझ लीजिए आप आयकर में उसको थोड़ा बहुत आप छूट दे दिया, ठीक है भारतवर्ष का 3% लोग भी आयकर नहीं देते, पहला बात हम मिडिल क्लास उसमें है
और इसमें जो सैलरी क्लास है ठीक है 2% ठीक। मेरा कहना देखिए, आप एक हाथ से कुछ ले रहे, दूसरे हाथ से कुछ आप देने के दिखा रहे कि हम कुछ दे रहे हैं, मगर असली बात है कि जो मध्य वर्ग का जो लोग है उनका जो असली आय, हर गृहिणी से पूछिए, असली आय हर महीना कम होते जा रहे हैं और जा रहे। तो इसके मतलब ये सरकार ऐसा कुछ अभी तक कदम नहीं उठाया कि हमें मालूम पड़ेगा कि हम कोशिश कर रहे महंगाई के ऊपर अंकुश लगाना। ठीक है, एक महीना हुआ, एक महीना पांच दिन हुआ और समय बताएंगे, मगर अभी तक एक साल बाद कम हो जाएगी महंगाई। हम तो विश्वास, तो मनमोहन सिंह भी वही कह रहे थे कि हम 6 दिन के बाद कम करें। देखिए वो भी एक ही चीज बात कर रहे हैं कि ये हमारे ऊपर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। एक से आप ठीक है संजय, मैं एक बात जानना चाहता हूं, तब क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि आपको भी एक विपक्ष के रूप में, और मैं इस बात की आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आपने भारत बंद का ऐलान नहीं किया क्या आपको भी लगता है कि जो आपके बस की भी बात नहीं है ये नहीं कर पाए, आप भी उन सही कदमों को उठाते हुए ये आप नहीं रोक सकते जब तक आपके पास कोई वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जिसको आप आजमाने के लिए तैयार हो? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास ऐसे कुछ बोल्ड स्टेप का कोई स्कोप बचा है जो आप नहीं उठा सके और बहुमत वाली ये सरकार उठा सकेगी तो वो कम हो जाएगी महंगाई? देखिए रवीश, न तो हमने भारत बंद की कोई घोषणा की और नहीं प्रधानमंत्री से कोई इस्तीफा मांगा है, वरना भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे हर दूसरे दिन महंगाई के नाम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से इस्तीफा मांगते थे। हम तो चाहते हैं कि सरकार, जनता ने चुना है, सरकार चलनी चाहिए, सरकार काम करे लेकिन जनता को राहत दे। रह की बात जो कदम उठाने वाले थे एपीएमसी के बारे में, अभी एक अर्थशास्त्री महोदय जो बोल रहे थे, एपीएमसी को अमेंडमेंट करने का एक्ट ऑलरेडी पास हो गया है। यूपीए सरकार ने नेशनल इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल इस तरह का एक प्रोग्राम प्लान बनाकर के रिलीज किया और तमाम राज्यों को बोला कि एपीएमसी और उसके अलावा जो सप्लाई चेन बहुत बड़ा है, जैसे एक उदाहरण देता हूं कि लासलगांव से जब प्याज निकलता है तो कम से कम 4 या 5 हाथों से गुजरने के बाद मार्केट में आता है, कंज्यूमर के पास आता है। अब तो ये इतना बड़ा जो सप्लाई चेन है उसको स्क्वीज करिए, उसको कम करिए। तो इसके लिए नेशनल इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल आया था कि सीधे खेत से माल उठाइए और बाजार में लेके आइए, और ये एक अच्छा उपाय है। अब इस उपाय को ताकत देना, इस उपाय को आर्थिक शक्ति देना हमारी सरकार शायद नहीं कर पाई, इस सरकार को करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम बार बार ये कहते थे कि सब्सिडी को कम करने के लिए आपका पर्पस क्या है, आप बजटरी डिफिसिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोग ये कहते थे कि साहब सब्सिडी कट करने के बजाय आप सब्सिडी जो है वो उसको चलने दीजिए, क्योंकि इससे आम आदमी को राहत मिलती है। आज जो पिछली सरकार ने गलतियां की वही ये सरकार गलती कर रही है, पिछली सरकार की हर एक नीति को फॉलो करती है और सरकार कहती है कि हम नए हैं, नए लोग हैं, नए प्रधानमंत्री, नई योजना, नया संकल्प, वो नए तो हैं, इरादे, सब बकवास चल रहा है, ये सब बकवास चल रहा है। ठीक है, तो सरकार को नए ढंग से, नए अंदाज में, नए मैकेनिज्म के साथ आना पड़ेगा जो अभी तक नहीं दिखा है। पर देवेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं तो 2 मिनट का है, 2 ही मिनट का समय लीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, फिर मैं आऊंगा तो सुधांशु जी और त्यागी जी से पूछूंगा। ये नरेंद्र मोदी ने वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स जो प्रधानमंत्री ने बनाई थी उसकी रिपोर्ट उन्होंने पेश किया था कि महंगाई रोकने के लिए क्या क्या है, तो जो 20 कदम बताए थे वो बाकायदा उन्होंने लिस्ट दे दिया था कि क्या क्या करना है, क्या उन पर सरकार चले तो महंगाई कम हो सकती है क्या? देखिए उससे पहले अगर आप मुझे याद दें तो संजय जी ने बताया कि भाई ये एपीएमसी के करके जो बता रहे हैं कि सीधा डायरेक्टली किसान से खरीदेंगे तो वो चेन जो स्क्वीज हो जाएगी। मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं और वो मुझे लगता है कि देश को जानने की भी जरूरत है कि एमएसपी पे सारा दोष दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर दोष दिया जाता है। आपको हैरानगी होगी जानकर कि देश के सिर्फ 30% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, 70% किसान एमएसपी के दायरे से बाहर हैं। तो जो जिसका बेनिफिट आप बता रहे हैं कि इनको अच्छा होगा, प्रोग्रेस होगी, तो वो 70% किसानों के साथ क्यों नहीं होती? फल की बात बोल रहा हूं, तो सारी कोशिश ये है कि 30% किसानों का भी वो काम खत्म कर दिया जाए। आप समझे उसमें जी, मैं सब्जियों, मैं नेशनल इनिशिएटिव जानता हूं, मैं आपको सारे देश की सिचुएशन बता रहा हूं, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो पेरिशेबल आइटम है उसकी मैं आपको सारे देश की बात बता रहा हूं, खेत से बाजार में लाना चाहिए, उसके लिए कोई एमएसपी की योजना नहीं है। ठीक है देवेंद्र, एक मिनट है, आप पूरी कर ले बात अपनी। हाँ मैं आपसे वही आज करना चाहता हूं, मैं वही बात करना चाहता हूं कि अगर हिमाचल में लोग टमाटर फेंक रहे हैं जहां पर कि एपीएमसी से बाहर निकाल दिया है फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को, तो वहां पर क्यों नहीं वो 2 रुपए की बजाय क्यों उसको 10 रुपए दाम नहीं मिलता जो एपीएमसी शेल्फ को दे सकती थी?
तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि ये जो बातें हैं ये एपीएमसी को हटाने की, ये कॉर्पोरेट ब्रेक में जाना एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, उनको मार्केट चाहिए। दर्शकों के लाभ के लिए इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि एपीएमसी से टमाटर को हटा दें तो एक किसान के रूप में आप अपने खेत में उगे हुए टमाटर को लेकर कहां बेचने जाएंगे? सीधे बाजार में। कौन सा बाजार? मतलब क्या बिल्कुल ठीक बताया कि ये सोचा जाता है कि किसान जो है वो जाके बेचेगा, लेकिन अगर एपीएमसी हो तो पता है कि भाई किसान को कि वहां जाना है मुझे, वहां पर एक मार्केट है उपलब्ध है और वहां मैं बेच सकता हूं, और वही चाहिए किसान को आज। और मतलब वो क्या गाड़ी पे लाद के खुद ला के इस मंडी से उस मंडी घूमेगा या कहां बेचेगा? मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं भी काफी कंफ्यूज हूं। रविश एक मिनट, जो सप्लाई चेन है जिसमें अलग अलग पड़ाव है उसमें से एक पड़ाव एपीएमसी है, तो जैसे आप एपीएमसी का पड़ाव खत्म करते इसका मतलब नहीं कि सप्लाई चेन पूरी तरह से खत्म हो गया, बीच में और भी एक दो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जितने ज्यादा मार्जिन खाने वाले लोगों को कम करेंगे उतना ही उसका भाव कम होगा, वरना चार रुपए का। अगर ये ऐसा होता तो देवेंद्र कह रहे हैं कि टमाटर भिंडी के मामले में क्यों नहीं, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये कदम तो अरुण जेटली ने उठाया है, उन्होंने कहा है कि इसको डिलिस्ट कीजिए, है ना? रमेश जी उसको ताकत दीजिए, उस किसान को, छोटे ट्रेडर को। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ अंदाज है कि 15 लाख या 50 लाख रुपए की जिनके पास अपनी बैंक गारंटी होती है वो डायरेक्ट खेतों से माल उठा करके शहर में लाके बेच सकते हैं, वो नेशनल इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल्स का एक हिस्सा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि अपना माल लेकर के सीधे यहाँ आ रही है, और मैं भी चाहता हूं कि जो दर्शक समझ रहे हैं वो पुतला दहन से आगे जाकर इस महंगाई और अर्थव्यवस्था की मजबूरियों की स्थिति को समझें, लेकिन ये राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति तो आप लोगों की देन है, और उसमें जो रफ्तार का पुट लाए कि हम आएंगे तो उसको ठीक कर देंगे, लेकिन जो जो फैसले लिए गए जैसे एपीएमसी वाले पर यहाँ एक आलोचना हुई कि उसके रहते हुए भी डिलिस्ट करने के बाद भी टमाटर के जैसे दाम का हश्र आप देख रहे हैं, जैसे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय करने पर, मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ऐसे कदम है जो तात्कालिक रूप से उठाए गए थे कि कुछ फौरी राहत मिले, और एक निश्चित रूप से ये बात समझ में आती है कि कुछ कदम जरूर ऐसे होंगे जिनका लंबे समय के बाद ही पता चलेगा, जैसे कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन, ये एक दिन की बात नहीं है। ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक इस तरह से समझें कि नरेंद्र मोदी कल से शनिवार तक ही सब ठीक कर देंगे, लेकिन ये जो दो कदम उठाए गए उसका भी कोई असर नहीं हुआ, एपीएमसी वाला और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। रवीश जी, एपीएमसी और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की जो आपने बात कही, अगर हम तर्क संगत ढंग से देखें तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की बात कही गई है वो एक तार्किक बात तो है कि अगर हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि इससे कम पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम जो लोग लाभ की प्रत्याशा में कम दाम पे चीज देश से बाहर जा रही है और देश के अंदर महंगे दाम पे बिक रही है उस चीज पर रोकने का एक प्रयास तो था। अब आप देखिए कि ये दो प्रकार के प्रयास होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, पर उसका फायदा नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म में सुधांशु जी उसका फायदा नहीं हुआ, वो प्रयास था। देखिए कई बार क्या होता है कि है ना दाम बढ़े ही उससे उस चीज का फायदा इसलिए नहीं मिलता यदि लॉन्ग टर्म की परिस्थितियां ज्यादा खराब हैं, जैसे कि अगर शरीर का स्वास्थ्य ज्यादा खराब है तो कई बार शॉर्ट टर्म में भी दवा उतना असर नहीं करती है। अब जैसे लॉन्ग टर्म की बात देखें तो त्यागी जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि कोल्ड स्टोरेज को लेकर जो समस्या, जैसे एक अमेरिकी थिंक टैंक का यह कहना था कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 13,300 करोड़ रुपए के केवल वेजिटेबल और फ्रूट्स बर्बाद हो जाते हैं, जबकि इनके हिसाब से 30-40% यानी और उसका लगभग दुगना। अब इसका एक स्थायी समाधान, या जैसे कि निरुपम जी ने कहा कि डायरेक्ट वेजिटेबल वाला होना चाहिए, अब यह एक लॉन्ग टर्म असेसमेंट है जो कि हमें करना पड़ेगा ताकि हम इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकें। हां, अभी जैसे परंजय जी ने कहा कि साहब हमने पता नहीं कहां से बोल दिया कि महंगाई कम हुई थी, तो मैं सिर्फ स्मरण दिलाना चाहूंगा कि 1998 में जब हम आए थे तो 9.5% महंगाई दर थी, हमने छोड़ा था तो 4.5% छोड़ दीजिए। तो इसमें कहीं कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तो सामने दिखाई पड़ता मतलब है। वो जनता की गलती थी कि महंगाई कम होने के बावजूद उन्होंने आपको वापस सरकार में नहीं भेजा, लेकिन उस गलती को जनता ने विषय है। आप जीतने पर बात करें तो दो अलग अलग बात है कि जीतना और यथार्थ होना, दूसरी बात दोनों आपको मालूम है कि अंतर है, हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों के अप्रोच में क्या अंतर है, हम सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करना चाहते, हम मर्ज का इलाज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ करना चाहते हैं, जैसे हमने जॉब बढ़ाए थे अपने टाइम में, इन्होंने मनरेगा दिया, तो हमारा थोड़ा अप्रोच में अंतर है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाजपा और नहीं, जो दो कदम तात्कालिक आपने उठाए उसका कोई लाभ नहीं हुआ, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में उसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। जो छोटी सी बात में आप एनडीए वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, नहीं नहीं ये वो पॉइंट है, मैं कहता हूं ये जो खाद्यान्न का
फल सब्जी जो सड़ जाते हैं, देखिए अमेरिका में भी होते हैं, हाँ। वहां पे भी होते हैं, ऐसा वहां भी सड़ते हैं, वहां भी सड़ते हैं, वहां कोल्ड स्टोरेज नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरा कहना ये है अच्छा। कि हमारे देश में जो 30-40 फीसदी जो जो फल जो सब्जी जो सड़ जाते हैं, क्यों सड़ जाते हैं, क्यों हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, क्यों कोल्ड स्टोरेज काम नहीं करता, क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं है। तो असली बात है कि जब तक आपका बिजली उत्पादन वो करेंगे तो बिजली कहां से बेचारे एक ही दिन में, तो आपका बुनियादी ढांचा उसमें दो साल देना पड़ेगा। आप आपका सड़क बोलिए, आपका जितने सारे बुनियादी ढांचा इतने कमजोर है, हमें समझ गया सप्लाई चेन को भी छोटा करने का प्रयास करना, बिल्कुल जी, ताकि उपभोक्ता जी जरा सा धीरज रख लीजिएगा। देवेंद्र जी जरा आप संक्षेप में बता सकते हैं क्या कि जैसे परंजय कह रहे थे कि अमेरिका में भी फल सब्जियां बर्बाद होती हैं, वहां बिजली की सप्लाई निश्चित रूप से बनारस से बेहतर होगी और बेहतर होगी, और वहां कोल्ड स्टोरेज भी होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बात कही जा रही है कि हमारे यहां उत्पाद बर्बाद होते हैं, अगर ये बर्बादी रोक ली जाए तो कीमतों में कमी आ जाएगी, क्या ये दुनिया में ऐसा हुआ है क्या? ये पहली बात तो एक इंप्रेशन देश में है कि 40% हमारे जो खाद्य उत्पाद हैं वो वेस्ट जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है पोस्ट हार्वेस्ट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का लुधियाना में, उससे सरकार ने स्टडी करवाई है, उसने बताया है कि सीरियल्स में गेहूं धान और ये जो मक्की है उस सब उसमें मात्र 6% से कम शॉर्ट वेस्ट होता है, और ऐसे उन्होंने सब्जियों का और फ्रूट्स का भी बताया है। मिल्क में हमारे यहाँ कोई वेस्टेज नहीं होता है। अमेरिका की जो बात करते हैं ये हर जगह यही है, क्योंकि ये देखिए एक बहुत बड़ा एक लॉबी है जो इस बात को बताती है कि हमारे देश में कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ अमेरिका से लेना है। अब देखिए अमेरिका में क्या होता है कि सुपरमार्केट्स में जिसके हम बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज सारी सिस्टम की बात करते हैं, सुपरमार्केट्स के पास है वो, सुपरमार्केट्स में 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वेस्ट होते हैं, सुपरमार्केट्स के अंदर 50% और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, और जो प्रोसेस फूड है उनका टोटल वो 40% वेस्ट हो रहा है। ये कहा जाता है कि अमेरिका का जो वेस्टेज है अगर उसको वो कंट्रोल कर लें तो सारा सब सहारन अफ्रीका को वो फीड कर सकते हैं, और यही हाल यूरोप में है। यूरोप में देखें तो 55% फूड जो है वो वेस्ट होता है। इटली में जितना फूड वेस्ट होता है वो इथोपिया के लिए पूरा है, पर्याप्त है। तो वहां तो और जहां पर टेक्नोलॉजी का बर्बाद होना कोल्ड स्टोरेज के होने ना होने से कोई लेना देना नहीं, तो हम क्यों जी जी समझ गया मैं समझ तो ये समझने की जरूरत है, क्यों नहीं हम समझते कि हमारे पास अलग सिस्टम की जरूरत है, ना कि अमेरिकन मॉडल या यूरोपियन मॉडल को फॉलो करना ही हमारी डेवलपमेंट का रास्ता है। त्यागी जी, अब मैं आपसे एक राजनीतिक सवाल पूछना चाहता हूं कि ठीक है इस सरकार को मिलना चाहिए, ठीक है कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने उस तरह की परिपक्वता का शायद परिचय नहीं दिया कि जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी समझती। जब वो मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की बात करते थे तो बीजेपी उसे संतुष्ट नहीं होती थी या मजाक उड़ाती थी या घड़े फोड़ती थी। क्या आपको नहीं लगता कि अब ये सब जब हो चुका है तो जिस तरह से हर बात के लिए एनडीए यूपीए की तरफ ना देखे, आप लोग भी वो ना देखें अपनी आलोचना में कि जो बीजेपी कर रही थी वही आप भी करें? थोड़ा वक्त देना चाहिए, 6 महीना 10-20 रुपये दाम बढ़ गए तो क्या हुआ, 6 महीने बाद कम हो जाएंगे फिर? हम तो मनमोहन सिंह जी की आलोचना करने में और भारत बंद करने में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहते थे। अच्छा, ओ। और 3 बार भारत बंद हम लोगों ने इनके खिलाफ किया था। मैं ये कहना ही चाहता हूं कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। देखिए जो नई सरकार है उसका रोड मैप है नेशनल हाईवे के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट बनाना, ठीक है। रवीश देवेंद्र जी मेरी बात से एग्री करेंगे, इस समय 40% जो भूमि है वो इरिगेटेड है इस समय देश में। आप नेशनल हाईवे की जगह से नेशनल इरिगेशन प्लान क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं पूरे देश की जमीन को आप इरिगेटेड करते? बनाएंगे, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, हाँ ठीक है, हाँ नहीं उसमें कुछ नहीं हो रहा है, हाँ। कुछ नहीं हो रहा है। और मैं रवीश आपको एक उच्ची खुशखबरी देना चाहता हूं, बिहार के अंदर नालंदा जिले में एक किसान ने दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करने का पर एकड़ और सबसे ज्यादा आलू पैदा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या आपके इंसेंटिव हैं, क्या आपके इनिशिएटिव हैं? उस किसान को आप पद्मश्री दे दीजिए ताकि देश के और 4 किसान नाचने कूदने गाने वाले सबको दे रहे हो, ठीक है सर, एक किसान को भी दे दीजिए। समाप्त करना पड़ेगा। आपकी प्राथमिकताएं जो है वो अर्बन इंडिया की है, आपकी प्राथमिकताएं रूरल इंडिया की नहीं है, ठीक है। और जब तक रूरल इंडिया और आप कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्टर साहब नाराज हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस इतना चाहता हूं कि देवेंद्र जी